महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने खुद को गद्दार कहे जाने और शिवसेना यूबीटी नेताओं द्वारा उन पर लगाए गए मेरा बाप चुराया है, पार्टी चुराई है, निशान चुराया है जैसे आरोपों के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा, मेरे लिए इस्तेमाल किए गए शब्द उनके लिए भी लागू होते हैं। 2019 में उन्होंने बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को त्याग दिया, उन्होंने अपने पिता की विचारधारा को बेच दिया, उन्होंने पाप किया और जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने खुद को गद्दार कहे जाने और शिवसेना यूबीटी नेताओं द्वारा उन पर लगाए गए मेरा बाप चुराया है, पार्टी चुराई है, निशान चुराया है जैसे आरोपों के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा, मेरे लिए इस्तेमाल किए गए शब्द उनके लिए भी लागू होते हैं। 2019 में उन्होंने बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को त्याग दिया, उन्होंने अपने पिता की विचारधारा को बेच दिया, उन्होंने पाप किया और जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने खुद को गद्दार कहे जाने और शिवसेना यूबीटी नेताओं द्वारा उन पर लगाए गए मेरा बाप चुराया है, पार्टी चुराई है, निशान चुराया है जैसे आरोपों के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा, मेरे लिए इस्तेमाल किए गए शब्द उनके लिए भी लागू होते हैं। 2019 में उन्होंने बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को त्याग दिया, उन्होंने अपने पिता की विचारधारा को बेच दिया, उन्होंने पाप किया और जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी।